दोस्तों नमस्कार। मैं थाना नहीं जा पा रहा हूं, मुझे कोई तरीका बता सकता है क्या कि जिसके तहत मैं FIR दर्ज कर सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये वीडियो के जरिए 100% जानिए। पहली बात, आप महाराष्ट्र में हो तो मैं महाराष्ट्र में की बात बताता हूं। आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसके तहत FIR दर्ज कर सकते हैं। कुछ राज्यों में तो ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है, अनुमति दी गई। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अगर आप पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं, बीच में आपके विरोधी पक्ष वाले आदमी खड़े हैं, या तो आपको डर लग रहा है, किसी ने आपको डराया धमकाया, आपको बोल दिया उड़ा दूंगा, तो आपको भी कैसा लग गया उड़ रहे हैं, तो कहां से जाएंगे पुलिस स्टेशन में? तो आप 100 को लगाना के लिए मत भूलिए। कभी भी कुछ भी अगर गलती से भी प्रॉब्लम में आ जाए तो 100 फोन लगा के FIR दर्ज कर सकते हैं। अब ज्यादातर मामलों में FIR दर्ज करने में देरी होती है, बहुत बार आदमी डरा हुआ रहता है। डर के मारे आदमी ने FIR दर्ज करते समय अगर देरी की तो वो उस मामले के लिए घातक होता है क्या? तो नहीं होता है। यह अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि लंबी देरी भी माफ की जा सकती है। 25 पुराना भी चीज है, आप किसी का आपने खून कर दिया और 25 बाद भी आपने पी के ऊपर किसी को बोल दिया कि मैंने ऐसा ऐसा खून किया है और सचमुच वहां से उसका अस्थि पंजर निकला, तो खून का मामला तो दर्ज होना ही होना है। अरे 25 पुराना चीज है ना, अभी क्यों? वो बात ही नहीं, क्योंकि फौजदारी मामले में ये चीज होती नहीं है, यानी टाइम लिमिट नहीं होती है, चार्जशीट दाखिल करने की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि अगर कोई आरोपी पुलिस हिरासत में है तो न्यायिक हिरासत में है तो उसको जमानत मिलने का वो हकदार बन सकता है, पर एक चीज है कि क्रिमिनल ऑफेंस है तो कभी भी दाखिल हो सकता है, इतना दिमाग में रखें। अब दूसरी चीज, एक बार FIR दाखिल कर दिया तो वापस ली जा सकता है, वो वापस लेने का कोई है क्या हल? तो भाई साहब नहीं। आप बोलेंगे अरे मैंने उसके ऊपर दाखिल किया FIR, मुझे उसके नहीं उसके ऊपर दाखिल करना था। पर भाई साहब आपने जिसके ऊपर दाखिल किया उसके अगेंस्ट में अगर FIR हो गया है, मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया है, तो एक बार दाखिल होने के बाद FIR रद्द किया नहीं जा सकता। तब भी शिकायत कर्ता ने अगर आग्रह किया कि मुझे वापिस लेना तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित तरीके से ही उसका निपटारा किया जा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया है कैसा जाना है कैसा नहीं जाना। इसका कारण भी बताता हूं, जो क्रिमिनल ऑफेंस रहता है वो कोई भी अपराध रहता है वो किसी आदमी के अगेंस्ट में नहीं होता। केस में भी अगर देखा जाए ना तो XYZ वर्सेस कौन होता है, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है, ब्रैकेट में रहता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या तो स्टेट ऑफ बिहार, जो कोई स्टेट है वो, यानी सरकार के विरुद्ध वो अपराध है। तो वैसा आप कहां से पीछे ले सकते हैं? आपने आप थोड़ी है पार्टी, पार्टी तो सरकार है, तो सरकार ले सकती है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको अगर किसी के अगेंस्ट अगर FIR करना है तो FIR कैसे कर सकते हैं, घर बैठे भी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने FIR लेट दाखिल किया है, देरी की है, तो भी उसमें कोई अर्थ है कि नहीं, और FIR दर्ज करने के बाद वापस लिया जा सकता है कि नहीं, ये तीनों चीज आपके सामने मैं रखी। मुझे लगता है ऐसे अलग अलग वीडियो आपके सामने लाते रहूंगा। अगले वीडियो तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।